एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम सेक्शन 23 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस को डिटेल में समझेंगे विथ प्रॉपर नोट्स एंड विथ केस लॉज। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो सेक्शन 23 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके पास एग्ज़ाम में लिखने को एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा, राइट? देखो, एविडेंस लॉ के इस लेक्चर सीरीज में अब तक हमने क्या पढ़ा, आइए एक बार रिवीजन करते हैं। देखो, हमने जाना कि हमारी लॉ ऑफ एविडेंस का सेक्शन 17 से लेकर के 31 तक के जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं एडमिशन से, और ये जो एडमिशन है वो चैप्टर 2 के तहत आता है। चैप्टर 2 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस बेसिकली डील करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से, और जो सेक्शंस हैं चैप्टर 2 के वो स्टार्ट होते हैं सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक, राइट? अगर हम सेक्शन 17 से लेकर के 31 तक के जो सेक्शंस हैं इन्हें फर्दर कैटेगराइज करें तो हम दो कैटेगरीज में इन्हें रख सकते हैं। पहला एडमिशन और दूसरा कन्फेशन। एडमिशन के जो सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं 17 से लेकर के 23 एंड सेक्शन 31, ये एडमिशन के सेक्शंस हैं, और कन्फेशन के सेक्शंस 24 से लेकर के 30 तक, राइट? ओके, हमने सेक्शन 17 के तहत एडमिशन क्या है उसे अच्छे से समझा था, एक सेपरेट क्लास अटेंड किया था, राइट? फिर हमने 18, 19, 20 को एक साथ समझा, यानी इन चार सेक्शंस को हमने एक वीडियो में कवर किया। सेक्शन 21 को हमने एक सेपरेट वीडियो में देखा। सेक्शन 21 बेसिकली सेक्शन 21 कहता है एडमिशन कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ मेकर, राइट? इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी हमने समझा था क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 22 और 22A को हमने एक साथ कवर किया। आज हम सेक्शन 23 से डील करेंगे, राइट? देखो, ये जो सेक्शंस हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, इन सेक्शन से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ये सभी सेक्शंस, हालांकि एडमिशन में आपको ज़्यादा सेक्शंस नहीं पढ़ना है तो इन सभी सेक्शंस को आपको पढ़ना होगा, राइट? अब एक और सेक्शन विच इज सेक्शन 31 जो एडमिशन का सेक्शन है इसे हम कवर करेंगे और इस तरह से एडमिशन हमारा एंड हो जाएगा, उसके बाद हम कन्फेशन से डील करेंगे, राइट? चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 23 ऑफ एविडेंस एक्ट। सेक्शन 23 एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। तो सेक्शन 23 क्या कहता है, एडमिशन इन सिविल केसेस, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, कब रेलेवेंट होंगे सिविल केसेस में एडमिशन, राइट? देखो, ये पर्टिकुलर सेक्शन कहता है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट,
लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो मैटर है वो ये कहता है कि एडमिशन सिविल केसेस में रेलेवेंट नहीं होंगे इन दो कंडीशंस में। ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या कहता है, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। लेकिन इसके अंदर का जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि एडमिशन सिविल केसेस में रेलेवेंट नहीं होंगे इन दो सर्कमस्टांसेस में। नाउ किन दो सर्कमस्टांसेस में, आइए समझते हैं। तो सेक्शन 23 कहता है इन सिविल केसेस में नो एडमिशन इज रेलेवेंट। एडमिशन जो है वो रेलेवेंट नहीं होगा इन दो सिचुएशंस में। पहला, इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एक्सप्रेस्ड कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन। यदि पार्टीज ने आपस में एक्सप्रेसली ये डिसाइड कर लिया है कि इस पर्टिकुलर फैक्ट का जो एविडेंस है एडमिशन के तौर पे वो कोर्ट में नहीं दिया जाएगा। व्हाट इज एडमिशन, एडमिशन है क्या, एडमिशन इज नथिंग बट एन एविडेंस। क्या है, एक एविडेंस है और ये सेकेंडरी एविडेंस है, राइट। तो इन सिविल केसेस में नो एडमिशंस आर रेलेवेंट व्हेन, पहला, इट इज मेड ईदर अपॉन एक्सप्रेस्ड कंडीशंस, पार्टीज ने आपसी सहमत से एक्सप्रेसली ये कहा है कि इस पर्टिकुलर फैक्ट का जो एविडेंस है एडमिशन के तौर पे वो नहीं दिया जाएगा। तो अगर उस पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्ड में कोई एविडेंस पेश किया जाता है एडमिशन के तौर पे तो सिविल केसेस में वो रेलेवेंट नहीं है। दूसरा, अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच कोर्ट कैन इन्फर दैट पार्टीज अग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। अंडर दोज सर्कमस्टांसेस, उन सर्कमस्टांसेस में जहां कोर्ट ये इन्फरेंस ड्रॉ करती है, कोर्ट ये कॉन्क्लूजन ड्रॉ करती है कि पार्टीज ने आपसी सहमति से इस पर्टिकुलर फैक्ट के एविडेंस को एडमिशन के तौर पे नहीं देने का निर्णय लिया होगा, राइट। तो एक क्या है, एक्सप्रेस्ड कंडीशंस, पार्टीज खुद से एक्सप्रेसली ये कह रही है कि इस पर्टिकुलर फैक्ट का एविडेंस एडमिशन के तौर पे वो कोर्ट में नहीं देंगे। और दूसरा, उन सर्कमस्टांसेस को एनालाइज कर रहा है कौन, कोर्ट, और खुद से ये इन्फरेंस ड्रॉ कर रहा है, ये अनुमान लगा रहा है कि पार्टीज ने अग्री किया था कि इस पर्टिकुलर फैक्ट का एविडेंस एडमिशन के तौर पे नहीं दिया जाएगा। तो ये दो सर्कमस्टांसेस हैं वेयर एडमिशन इन सिविल केसेस नॉट रेलेवेंट, रेलेवेंट नहीं होते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, आइए समझते हैं। देखो, नथिंग इन दिस सेक्शन, इस पर्टिकुलर सेक्शन की कोई भी बात शैल बी टेकन टू एग्जाम्प्ट एनी बैरिस्टर, लीडर, अटॉर्नी, वकील फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सेक्शन 126। देखो, इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियरली ये चीज़ कहता है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का कोई भी बात, इस पर्टिकुलर सेक्शन का यानी सेक्शन 123 का कोई भी प्रोविजन किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को एग्जाम्प्ट नहीं करेगा फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ दोज मैटर्स, उन मैटर्स के रिगार्ड में एविडेंस देने से एग्जाम्प्ट नहीं करेगा जिन मैटर्स को लेकर के कोर्ट
अटॉर्नी, प्लीडर, वकील, एडवोकेट को कंपेल कर सकता है कि आपको एविडेंसेस देने होंगे अंडर सेक्शन 126। आइए इसे समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें सेक्शन 126 के बारे में, तो सेक्शन 126 बेसिकली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, देखो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब है एक ऐसा कम्युनिकेशन विच टुक बिटवीन एडवोकेट एंड क्लाइंट, अटॉर्नी एंड क्लाइंट, प्लीडर एंड क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सिंपल, एडवोकेट और क्लाइंट के बीच क्या कम्युनिकेशन हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो कम्युनिकेशन कहलाता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, राइट। और सेक्शन 26 क्लियरली ये कहता है कि अगर एक एडवोकेट और एक क्लाइंट के बीच कोई कम्युनिकेशन हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उस कम्युनिकेशन को एडवोकेट ना किसी से डिस्क्लोज कर सकता है और ना ही कोई पर्सन एडवोकेट को फोर्सफुली उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कराने के लिए फोर्स कर सकता है, राइट। यानी बेसिकली प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस ऐसे कम्युनिकेशंस विच टुक बिटवीन एडवोकेट एंड क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। और ये जो कम्युनिकेशंस होंगे वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस के दायरे में आते हैं, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस के दायरे में आते हैं। बेसिकली जब एक विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट होता है तो उससे ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो उन सभी इंफॉर्मेशन को बिना किसी सेल्फ अल्टरेशन के कोर्ट में प्रेजेंट करे। कोर्ट उससे कोई भी क्वेश्चन पुट करता है उसके सामने, तो उन क्वेश्चन का वो रैशनल आंसर्स दे, राइट। तो ही इज लाइबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन एज पुट बाई द कोर्ट बिफोर हिम, राइट। लेकिन देखो, कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस होते हैं जिन्हें वो डिस्क्लोज करने के लिए लाइबल नहीं है, ना ही आप फोर्स कर सकते हो कि आप उन कम्युनिकेशंस को डिस्क्लोज करो बिफोर द कोर्ट। तो ऐसे कम्युनिकेशंस कहलाते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस के ही दायरे में आते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, राइट। लेकिन अब ऐसा क्यों होता है, देखो, एक एडवोकेट और एक क्लाइंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो फिड्यूशियरी इन नेचर होता है। फिड्यूशियरी इन नेचर, FIDUCIARY, फिड्यूशियरी इन नेचर, यानी एक ऐसा रिलेशनशिप जो ट्रस्ट, फेथ, होप पर बेस्ड है। क्लाइंट हमेशा ये सोचता है कि उसे कहीं से अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके वकील साहब, उसका एडवोकेट उसे ज़रूर न्याय दिलाएगा। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जो ट्रस्ट पे बेस्ड है, जो होप पर बेस्ड है, राइट। और ये एडवोकेट का कोड ऑफ कंडक्ट भी है, जिसे हमने प्रोफेशनल एथिक्स में समझा था कि एक एडवोकेट को उसके और उसके क्लाइंट के बीच जो भी कम्युनिकेशंस होता है उन कम्युनिकेशंस को डिस्क्लोज नहीं करना है बिफोर एनी पर्सन, ठीक है। अब देखो, सेक्शन 126 में कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी बात किया गया है कि इन कंडीशंस में एडवोकेट को कोर्ट
कॉम्पेल कर सकता है कि आपको उन कम्युनिकेशंस को डिस्क्लोज करना होगा बिफोर द कोर्ट. नाउ व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस. देखो, एनी सच कम्युनिकेशंस मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस. एडवोकेट और क्लाइंट के बीच कोई ऐसा कम्युनिकेशन हुआ है जो किसी इलीगल पर्पस को अंजाम देने के लिए किया गया है. अगर एडवोकेट को ये बात पता चलता है या कोर्ट को ये बात पता चलता है तो एडवोकेट भी अपनी तरफ से उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकता है और कोर्ट एडवोकेट को कंपेल कर सकता है, फोर्स कर सकता है उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए. यानी प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस आर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस बट आर सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस. इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं. जैसे अगर कम्युनिकेशन इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस हुआ है तो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट एडवोकेट को फोर्स कर सकता है. तो ये सेक्शन 126 के दायरे में आया, राइट? ओके. दूसरा, कोई फैक्ट जिसे बैरिस्टर या वकील, अटॉर्नी या प्लीडर ने ऑब्जर्व किया था इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जिससे ये शो होता हो कि कोई क्राइम या कोई फ्रॉड कमिट किया गया है उसके क्लाइंट के द्वारा या कमिट होने वाला है उसके क्लाइंट के द्वारा, तो उन कम्युनिकेशन को वो प्लीडर, वो एडवोकेट, वो अटॉर्नी डिस्क्लोज कर सकता है और कोर्ट उनसे इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए फोर्स कर सकता है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन कहता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन यानी सेक्शन 123 का कोई भी बात किसी बैरिस्टर, लीडर, अटॉर्नी, वकील को एग्जाम्प्ट नहीं करेगा फ्रॉम गिविंग एविडेंसेस एज ऑफ एनी मैटर उन मैटर्स के रिगार्ड में जिनको लेकर के बैरिस्टर, लीडर, अटॉर्नी या वकील को कोर्ट कंपेल कर सकता है टू गिव एविडेंसेस. यानी ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, राइट? ओके. अब देखो, एक केस है हमारे पास सुरजीत वर्सेस गुरचरण, राइट? देखो, सबसे पहले इस केस को हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन के कंटेंट को लिखेंगे और आपको ऐसे ही एग्जाम में प्रेजेंट करना है. कई बार इस पर्टिकुलर सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हेन एडमिशन इन सिविल केसेस नॉट रिलेवेंट, राइट? तो ऐसे एक सेंटेंस दे करके आपसे पूछ लेगा. अब देखो, केस है हमारे पास सुरजीत वर्सेस गुरचरण. देखो, इस पर्टिकुलर केस में क्या था, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक पिटीशन पेंडिंग था. अ लेटर वॉज रिटन बाय वन ऑफ द पार्टीज, किसी एक पार्टी के द्वारा एक लेटर लिखा गया कंटेनिंग एन एडमिशन ऑफ क्रुएलिटी. उस लेटर में उसने, उस पार्टी ने क्रुएलिटी को एडमिट किया था कि हाँ उससे गलती हुआ है, वो उस क्रुएलिटी को एडमिट कर रहा है उस लेटर में, राइटिंग में, और एपोलॉजी वॉज फाइल्ड. उस लेटर में उसने माफी भी मांगा था अपने कृत्य के लिए. अब देखो, वो जो लेटर था वॉज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेगोशिएशन. उस लेटर को पीरियड ऑफ नेगोशिएशन के दौरान लिखा गया था फॉर अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज. यानी उस पर्टिकुलर लेटर को, उस पर्टिकुलर अपोलॉजी लेटर को जब पार्टीज के बीच कॉम्प्रोमाइज का पीरियड चल रहा था, यानी पार्टीज के बीच जब नेगोशिएशन चल रहा था,
तो उसी बीच इस लेटर को लिखा गया था। इट वॉज हेल्ड बाई द कोर्ट दैट, कोर्ट ने ये माना कि वो जो लेटर है वो अपने आप में एक प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट है और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से यानी उस पर्टिकुलर लेटर से कोर्ट ने ये इन्फरेंस ड्रॉ किया कि अब पार्टीज को उस लेटर को प्रूफ करने के लिए फर्दर एविडेंसेस नहीं देने होंगे क्योंकि वो जो लेटर है वो अपने आप में एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है कि एक पार्टी निगोशिएशन पीरियड के दौरान अपने क्रुएलिटी को एडमिट करती है, अपोलॉजी फाइल करती है, तो ये जो लेटर है वो अपने आप में एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है और इस लेटर के रिस्पेक्ट में आपको फर्दर एविडेंसेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट ने इस लेटर से ये इन्फरेंस ड्रॉ किया कि दोनों पार्टीज़ के बीच नेगोशिएशन चल रहा था और इस लेटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था वो सेकेंड पार्टी को पता था क्योंकि ये लेटर ड्यूरिंग द नेगोशिएशन पीरियड लिखा गया था। और अब उस पार्टी को उस लेटर के रिगार्ड में एविडेंसेस नहीं पेश करने होंगे कि हाँ उस लेटर को उसी ने लिखा है या उस लेटर को उसने किस पर्पस के लिए लिखा, तो इसके लिए उसे फर्दर एविडेंसेस नहीं पेश करने होंगे। राइट, ओके। एक और केस हमारे पास एच जी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फैक्ट को एडमिट करते हो तो या तो उस पर्टिकुलर फैक्ट को आप कंप्लीटली एडमिट करो या कंप्लीटली डिनाई कर दो। आप किसी फैक्ट को पार्टली एडमिट नहीं कर सकते या किसी फैक्ट को पार्टली रिजेक्ट या डिनाई नहीं कर सकते। एन एडमिशन मस्ट बी यूज्ड आइदर एज होल और नॉट एट ऑल। राइट, तो ये था आपका सेक्शन 23 जिसे हमने डिटेल में समझा। ठीक है, अब चलिए इसके कंटेंट को हम लिख लेते हैं। लिखो, इन सिविल केसेस नो एडमिशंस आर रेलेवेंट। ठीक है, पहला, इफ मेड आइदर अपॉन एक्सप्रेस्ड कंडीशन, इफ मेड आइदर अपॉन एक्सप्रेस्ड कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट, एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट इज नॉट टू बी गिवन, दूसरा, अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच कोर्ट कैन इन्फर दैट पार्टीज अग्रीड टुगेदर। तो वो जो लेटर था वो ये शो कर रहा था कि पार्टीज ने आपसी सहमति से ही नेगोशिएशन के लिए तैयार हो गए थे पार्टीज। राइट, तो वो जो लेटर था वो क्या था, एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट था शोइंग दैट पार्टीज टुगेदर अग्रीड फॉर नेगोशिएशन। राइट, अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच कोर्ट कैन इन्फर दैट पार्टीज अग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन आप लिख देना आपके बेरेक में है, राइट। फिर सेक्शन पेज को आप रीड करोगे विथ सेक्शन 126, सेक्शन 23 रीड विथ सेक्शन 126, एक्सप्लेनेशन के नीचे आप लिखो, राइट। सेक्शन 126 बेसिकली प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के बारे में बात करता है, एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एनी कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पज, दूसरा एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एनी बैरिस्टर प्लीडर वकील अटॉर्नी इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। फिर केस है आपके पास सुरजीत वर्सेस गुरचरण, इस पर्टिकुलर केस के कंटेंट को आप लिख दोगे, सुरजीत वर्सेस गुरचरण पिटीशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, पिटीशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट वॉज पेंडिंग, लेटर वॉज रिटन, अ लेटर वॉज रिटन बाई वन ऑफ द पार्टीज, अ लेटर वॉज रिटन बाई वन ऑफ द पार्टीज कंटेनिंग an admission of cruelty and seeking apology was filed, right। आगे that letter was written during period of negotiation for compromise between parties. So it was held that letter was privileged document and it may be inferred that it may be inferred that parties did not want to let in evidence। तो इससे ये inference draw किया गया कि parties नहीं चाहते हैं कि उस letter के respect में कोई evidences पेश किए जाएं before the court। Parties did not want to let in evidence in respect of letter। ये conclusion कौन draw किया? Court। ठीक है, okay। फिर एक और केस है H.G. Narayan versus State of MP। H.G. Narayan आपके बेरक में है versus State of MP। इस particular केस में ये कहा गया admission must be used either as whole or not at all। तो ये था सेक्शन 23
जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ सिंपल एक्सप्लेनेशन के जरिए समझाने की कोशिश करी। तो अगर ये लेक्चर, ये सेक्शन आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।